आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आने वाला जो भविष्य हमारे भारत का है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार हम लोग निरंतर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज वही दिन है जो हम लोग अपने शहीदों पर नमन करें, शहीदों के प्रति आभार जो आज इस देश जो हमें मिला है वो उनकी देन है। और आज पूरा हिंदुस्तान विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, कोरोना काल की वजह से आप लोग को इस परिस्थितियों से उबर के आना है और आज से उपयुक्त दिन नहीं हो सकता जहां पर जो प्रेरणा देती है मुझे हमें लड़ने की, और ये कोरोना काल को हम लड़ के आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। भारत माता की जय। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भागलपुर वासियों को 15 अगस्त में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उनसे आग्रह या रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि वो सरकारी आदेशों का पालन करते हुए ही इसे मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेशमा निगार 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी देशवासियों को बधाई देना चाहती हूं। साथ ही अपील करती हूं कि सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। स्वतंत्रता दिवस पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस में आप देश के लिए सोचें और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें, ऐसा कोई भी काम नहीं करें खास करके धार्मिक मामलों में जिसमें देश को हानि हो। साथ ही मैं डॉक्टर अजय सिंह जीवन जागृति सोसाइटी का अध्यक्ष हूं और सड़क दुर्घटना पर हम लोग काम करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जब भी चलें हेलमेट जरूर पहने और गाड़ी के स्पीड को नियंत्रण में जरूर रखें। तमाम भागलपुर वासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि सब इसको आजादी मुल्क को हिफाजत में और इसकी तरक्की में इसको आगे बढ़ाने में साथ देते रहेंगे। मैं डॉक्टर सनातन कुमार ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन सभी भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए मास्क पहनने के लिए और कोविड से दूर रहिए। नमस्कार, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भागलपुर केमिस्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं समस्त देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ में ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार की दिशा निर्देश है कोविड के बारे में उसका अवश्य पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार, भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और तमाम भागलपुर के कांग्रेस परिवार की ओर से आप तमाम बिहार वासियों को और देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं खास करके नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि देश जो विपरीत दिशा में जा रहा है उस दिशा को आप बदलें, कर्णधार आप हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं जन अधिकार पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और मैं ये अपील करना चाहता हूं जनता से कि सरकारी दिशा निर्देश अनुसार जो आदेश है उस आदेश का पालन करें। स्वतंत्रता दिवस पर हम तमाम भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उस आज़ादी में जिन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण जिलावासियों को एवं प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सबों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मैं राबिया खातून राजद नेत्री पूर्व नाथनगर विधानसभा प्रत्याशी की ओर से देश के तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं नाथनगर विधानसभा की महान जनता को 15 अगस्त 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर
ढेर सारी मुबारकबाद एवं बधाई देती हूँ। 74वें स्वतंत्रता दिवस की नाथनगर भागलपुर समेत समस्त देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं युवा साथियों से अपील करता हूँ कि वह एक स्वच्छ, शिक्षित और सुंदर समाज बनाने के लिए एकजुट हों, आपसी भाईचारे और बंधुत्व को बढ़ावा दें। मैं विजय कुमार यादव आप सभी भागलपुर वासियों एवं पूरे देशवासियों को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस कोरोना महामारी को लेकर आप लोगों से अनुरोध है कि आप घर पर रह के स्वतंत्रता दिवस मनाएं, बाहर नहीं निकले, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। मैं पप्पू मंडल, जदयू नेता सब मुखिया प्रतिनिधि नूरपुर नाथ नगर की ओर से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं मोहम्मद शारिक खान, जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी कांग्रेस भागलपुर। आप तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस कोरोना वायरस की महामारी में घर से एकदम जरूरी में निकले और मास्क लगाकर निकले, सार्वजनिक जगह में दूरी बनाकर रखें और खुद को सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दिवाकर कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव युवा रालोसपा भागलपुर। मैं धर्मेंद्र कुमार भगत, निर्देशक किरण इंस्टीट्यूट प्लस टू स्कूल भागलपुर, सह जिलाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ जदयू। आप तमाम भागलपुर वासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह अपील करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। नमस्कार, मैं नीतू सिंह, प्रोप्राइटर कामनी भारत गैस आधार संभला। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। मैं संजीव सुमन, जिलाध्यक्ष जदयू कला संस्कृति प्रकोष्ठ, सह अध्यक्ष नव सृजन संघर्ष समिति। संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। यद्यपि पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा है, इसलिए हम सभी झंडोत्तोलन के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त भारतीय लोकतंत्र और हर भारतीय के लिए खास है। यही वह दिन है जब भारत ब्रिटिश चंगुल से आजाद हुआ था और हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान का यह नतीजा है। इस वर्ष भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं सुनिधि मिश्रा, मंत्री विजय मित्रा नगर मंडल, तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और झुम्पा सिंह, बिहार प्रदेश मुखिया संघ का उपाध्यक्ष सह भागलपुर जिला मुखिया संघ का कार्यकारी अध्यक्ष। मैं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। पूरे बिहार वासियों को ये पर्व मुबारक हो। सुनील ट्रिक सेंटर मंदार ITI एवं सत्यभामा ITI की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हमारे विद्यार्थी, जो भी बिहार के विद्यार्थी हों, पूरे देश के विद्यार्थी हों, जिसकी पढ़ाई कोरोना काल में गड़बड़ा चुकी है, वो सभी ऑनलाइन क्लास पे ध्यान रखें अभी। और जैसे ये महामारी समाप्त होगा, लॉकडाउन टूटेगा, कॉलेज स्कूल चालू होगा, उसके बाद आप लोगों की पढ़ाई हम लोग सभी शिक्षक गण मिल करके सम्मान करेंगे। मैं प्रखंड राजद अध्यक्ष पीरपैती, सह मुखिया प्रतिनिधि, सह पैक्स अध्यक्ष रंजीत शाह, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं एवं इस कोरोना महामारी में घर में रहे, सुरक्षित रहे। मैं हीरा दादा जगदीशपुर समाज सेवी के तरफ से 15 अगस्त का देशवासी को हार्दिक बधाई। मैं सुजीत मंडल,
भवानी पुरदेसरी पंचायत के वार्ड सचिव के तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नीरज पासवान, प्रदेश सचिव दलित सेना, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। तमाम धुरैया विधानसभा क्षेत्र वासियों को एवं बिहार प्रदेश वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सपना देवी, मुखिया तेलिया पहाड़ पंचायत फुल्ली डुमड़ बांका की ओर से समस्त प्रखंड वासियों एवं जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। मैं अनिल कुमार मंडल, पूर्व प्रमुख बौंसी, समुखिया प्रतिनिधि सरुआ पंचायत बौंसी की ओर से समस्त बांका वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं तुलसी रंजन, आवास पर्यवेक्षक धोरैया बांका की ओर से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मैं उमेश कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा धोरैया बांका की ओर से समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं रूबी देवी, मुखिया सोनूचक पंचायत जगदीशपुर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। मैं जगत चौधरी, बोड़ा पाटकडीप सनहौला, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपिन बिहारी सिंह, मुखिया धुआवे पंचायत की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुभाष चंद्र भगत, मुखिया सिलहन खजुरिया पंचायत स अध्यक्ष सनहौला प्रखंड मुखिया संघ की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना काल में आप सभी से घरों में रहने की अपील करता हूं। मैं सुलेखा देवी, मुखिया ग्राम पंचायत भुड़िया महियामा सनौला की ओर से पंचायत की सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं सुषमा देवी, प्रखंड प्रमुख सनौला की ओर से पूरे प्रखंड सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी से घरों में रहने का अनुरोध करती हूं। मैं बबलू कुमार, अमडंडा थानाध्यक्ष, आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजकिशोर यादव, समाजसेवी जगदीशपुर की ओर से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मौलाना अब्बास अंसारी, मुखिया उत्तरी कस्बा वशीला पंचायत प्रखंड चांदन बांका की ओर से समस्त जिले वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं निभा कुमारी, मुखिया ग्राम पंचायत सातपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। जय कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत मुरहन जमेल, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ग्राम पंचायत मुरहन जमीन के तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामना एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पंकज कुमार मंडल, उप प्रमुख प्रतिनिधि गोराडी, सब प्रखंड अध्यक्ष गांधी युवा मंच, तमाम प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि सभी लोग सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाकर स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तभी हमारा देश कोरोना को हरा पाए। मैं धनंजय यादव, लोजपा नेता, जिला परिषद प्रतिनिधि सह जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, तमाम देशवासियों को एवं भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस कोरोना काल महामारी में आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर तनवीर हसन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अगरपुर। मैं समस्त भारत वासियों को 15 अगस्त यानी के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे, शांति रहे और हमें कोरोना वायरस से जल्द ही निजात मिले।